आज की वीडियो में देखेंगे डेक्सामेथासोन के बारे में, जो कि डेक्सोना नाम से आराम से आपको इंडिया में हर जगह ऑलमोस्ट ये अवेलेबल रहता है। तो इसके बारे में देखेंगे कि ये टैबलेट क्या है और इसके क्या यूज़ है और क्या साइड इफ़ेक्ट है और क्या सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे आप खुद से ये टैबलेट खा सकते कि नहीं, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। देखते हैं डेक्सामेथासोन क्या है। तो डेक्सामेथासोन एक कार्टिकोस्टेरॉइड है, ये एक तरह का स्टेरॉयड है। देखते हैं इसका यूज़ क्या है। तो बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन आ जाए तो उसमें डेक्सोना टैबलेट डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से देते हैं। इससे अगर जे इसका मतलब ये नहीं कि अगर जे आपको कहीं पे इन्फ्लामेशन है या कहीं पे चोट वगैरह लग गया तो आप जाके डेक्सोना टैबलेट लेके खा लेवे, इसका मतलब ये नहीं। इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है, इसके लिए ये आपको खुद से नहीं लेना है। कहते कि बॉडी में सूजन जिसे इन्फ्लामेशन बोलते हैं वो होता क्यों है। तो अगर जो कोई भी बाहर से बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आता है तो अपना जो इम्यून सिस्टम है वो काम करने लगता है, एक्टिव हो जाता है उसके खिलाफ लड़ने के लिए। तो इम्यूनिटी अपना जो है उससे लड़ने लगता है और उसको उससे फाइट करने लगता है, जिसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लामेशन सूजन वगैरह हो जाता है। तो ये डेक्सोना जो टेबलेट है ये जाके इम्यून सिस्टम को शांत कर देता है, इसको खामोश कर देता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन बॉडी का जो रहता है वो कम होने लगता है धीरे धीरे। डेक्सामेथासोन को इम्यून सप्रेसर भी बोलते हैं, यानी इम्यूनिटी जो बॉडी में रहती है उसको ये जाके सप्रेस कर देता है। अब देखते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो अगर जो आप कंटिन्यू बेस पे ये डेक्सामेथासोन खा रहे हैं तो अपना जो बॉडी का इम्यूनिटी, अगर जो भी बाहर निकले धूप में या सर्दी जुकाम का जो भी इन्फेक्शन आता है उससे अपना बॉडी फाइट करके ऑटोमेटिक ठीक कर देता है। अपने बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन बहुत से आते रहते हैं और जाते रहते हैं, हम लोग को पता भी नहीं चलता है। लेकिन अगर जो टैबलेट अगर जो आप कंटिन्यू खा रहे हैं तो बॉडी का जो इम्यून है वो सप्रेस हो जाएगा और धीरे धीरे काम करना कम कर देगा। तो इसके लिए कोई भी ज़रा सा भी कोई भी इन्फेक्शन आ जाए तो उसमें आपको बीमार हो जाओगे, या कोई भी बाहर निकले धूप लग गई तो बीमार पड़ जाओगे, यानी इम्यूनिटी बॉडी की एकदम कमज़ोर हो जाएगी। तो इसके लिए यह टैबलेट को बिना डॉक्टर की सलाह का खुद से नहीं खा सकते हैं। अगर जो ये कंटिन्यू खा रहे तो आपकी हड्डी वगैरह है वो भी एकदम कमज़ोर हो जाती है।